नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर जिला अदालत में अधिवक्ता आज लगातार पांचवें दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस संबंध में अध्यक्ष आरके सिंह सैनी व सचिव राजेश तिवारी द्वारा बताया गया कि आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश जो कि 25 प्रकरणों को 3 माह में निराकृत करना है, में कुछ परिवर्तन हो सके व निर्धारित समय सीमा की अवधि को समाप्त किया जाए, क्योंकि न्यायिक कार्य से विरत रहने का मुख्य कारण उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देशित किया गया है कि पिछले वर्ष जैसा इस वर्ष भी पुराने प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जाए और समय सीमा अर्थात 25 प्रकरणों का निराकरण 3 माह के अंदर किया जाए। उक्त निर्देश के अनुसार पुराने प्रकरण समय सीमा के अंतर्गत निराकृत किए जाएंगे, जिससे लोगों को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है बल्कि केवल प्रकरणों का निराकरण होगा और पक्षकारों के साथ अधिवक्ताओं और न्यायालयों पर भी अनावश्यक दबाव हो रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के मुताबिक अधिवक्ता 19 मार्च तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इसी के चलते जिला अधिवक्ता संघ कल प्रातः 11 बजे राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रदान करेंगे एवं उक्त ज्ञापन में 25 प्रकरणों के कारण अधिवक्ताओं को हो रही परेशानी को अवगत कराकर उनसे प्रदेश स्तर पर विरोध करने का आग्रह करेंगे। सर, भारत की न्याय व्यवस्था में पहली बार एक ऐसे प्रयोग किए गए, एक विवेकशील व्यक्ति को ही स्थान मिलता है जिम्मेदारियों का। माननीय न्यायाधिपति महोदय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश ने एक ऐसा आदेश निकाला, उद्देश्य बहुत अच्छा था पर उसके परिणामों के प्रति चिंतन नहीं था। परिणाम उनके सार्थक नहीं होने थे, क्योंकि 25 किसी भी मुकदमे को संख्या के आधार पर निर्धारित करके किसी समय सीमा में बांध के निर्णय पारित करना विचाराधीन कोर्टों को, ट्रायल कोर्टों को बहुत असंभव है, क्योंकि रेत के बहुत नीचे से जस्टिस निकलता है। यदि हम समय सीमा में बांधेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून को, न्याय को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन ये प्रयोग जो हुआ था ये अच्छी मंशा से हुआ था, पर उसके परिणाम दुखद हैं। पक्षकार पीड़ित हैं, जज पीड़ित हैं, अधिवक्ता भी पीड़ित हैं, और जो भी निर्णय हो रहे हैं यदि वो समय सीमा के बांधने के कारण सिर्फ और सिर्फ निर्णय हो रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिली जो पूरे मध्य प्रदेश को अपने आप में पूरी न्याय व्यवस्था को हिला दिया जिसने, इसलिए सारे लोगों ने अपनी अपनी इच्छा करके, स्टेट बार के चेयरमैन ने भी ये कोशिश की चीफ जस्टिस महोदय इस आदेश को वापस लें क्योंकि इसके सुखद परिणाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ना हो पाने के कारण, वापसी ना हो पाने के कारण, उसकी निरंतरता के कारण सारे अधिवक्ताओं को एक होना पड़ा। अपने लिए अधिवक्ता कभी आंदोलित नहीं होते, अधिवक्ता आंदोलित होते हैं अपने पक्षकार के लिए, अधिवक्ता आंदोलन होते हैं जस्टिस प्राप्त करने के लिए। फॉर गेन द जस्टिस हम सब ने तय किया, अपनी बात हम अपने ज्ञापनों में पहुंचा पाए। जब उस पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले मध्य प्रदेश में, तो आज मध्य प्रदेश की सारे जिले, चाहे हरदा हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इटारसी हो, चाहे कटनी हो, चाहे सिहोरा हो, सबके सब मिलके, और आज जबलपुर की है सबसे बड़ी जिला अधिवक्ता संघ, इसने भी 7 दिन का लगातार अपने कार्य से विरत रहने का संकल्प लिया। इस संकल्प की पूर्ण आहुति के रूप में आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया, इस बात का कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो प्रधान हैं, हमारे जो न्यायाधीश महोदय ने मिलकर जो इसको तय किया है, वो विवेकशील सारे लोग ये तय कर पाए, उस व्यवस्था को लागू करें जिसमें न्याय मिल सके। इस पवित्र भाव के साथ आज का सद्बुद्धि यज्ञ जिला अधिवक्ता संघ की ओर से पूरे प्रदेश को हम समर्पित कर रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हर पक्षकार को, हर न्यायाधीश को, हर अधिवक्ता को अपनी आँखों के सामने जस्टिस दिख पाए। जिला अधिवक्ता संघ से मैं संपूर्ण तिवारी, पूर्व सचिव। प्रथम दस्तावेज उस देश का संविधान होता है, और हमारे भारत देश के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि संपूर्ण न्याय सभी को मिले, और न्याय मिलने के लिए न्याय को समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता। हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसको समय सीमा में बांधा गया है, निसंदेह उसकी मंशा ठीक रही होगी, लेकिन जब कोई भी कार्य जब जमीन में उतरता है, उसका क्रियान्वयन होता है, तो उसमें कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष आते हैं। इस न्याय व्यवस्था, इस न्याय देने की प्रक्रिया को यदि समय सीमा में बांधा गया, उसके दुखद परिणाम आए, और अधिवक्ता हमेशा देश हित, समाज हित और सभी के न्याय के लिए लड़ता है, और न्याय के लिए लड़ने के कारण मात्र आज
संपूर्ण प्रदेश में जो 7 दिवसीय अपने कार्य से विरत रहकर हड़ताल करने का जो निर्णय लिया गया वो सफलता पूर्ण हुआ पूरे प्रदेश में, और इस पूर्णता के पश्चात पूर्णाहुति जो है वो माननीय न्यायाधिपति और जो ऐसे आदेश पारित किए गए हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस यज्ञ के साथ और आज का सद्बुद्धि यज्ञ के साथ में ये आज का जो हड़ताल है वो हमने विराम दिया है। भारत संदीप शुक्ला, विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ इसका पुरजोर सहयोग समर्थन करते हैं। देखिए, आप मीडिया वाले हैं और आप मीडिया के द्वारा समाचार जगत की ऊंचाइयों को सब जगह पहुंचाने में सक्षम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिला अधिवक्ता संघ विगत 13 तारीख से न्यायिक कार्य से लगातार विरत चल रहा है। आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और आपके माध्यम से इसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये समाचार के रूप में प्रस्तावित करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो हम आने वाले समय में इस आंदोलन को बृहद रूप से आगे ही बढ़ा सकते हैं। हमारे सोमवार को हमने विचार किया कि हम आम सभा का बैठक बुलाएंगे, आम सभा में निश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। इसके पूर्व में आज हमने यज्ञ का आयोजन किया, इसमें हमने राज्य अधिवक्ता परिषदों के सदस्यों से चाहा है, हे प्रभु इनको सबको कृपा दृष्टि पहुँचे, इनकी बुद्धि का विकास हो। राज्य अधिवक्ता परिषद जो है वो हमारी मात संस्था है, हमारी प्रदेश की समस्त अधिवक्ताओं की संस्था के रूप में जानी जाती है। अगर हमारी कोई भी मांग एक साथ पूरे प्रदेश में आती है तो उसका निराकरण करने की जिम्मेदारी राज्य अधिवक्ता परिषद की है। ऐसी स्थिति में राज्य अधिवक्ता परिषद की कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, अगर अपनी मीटिंग में वे हमारी मांगों को, हमने उनको पत्र पहले भी लिखा है, आज फिर पत्र बनाएंगे और कल हमको ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में उनसे ये मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश की समस्या है, आप इसका निराकरण करने के लिए सारे प्रयास करें, और कल अगर वो ऐसी बातों को नहीं मानते हैं तो हो सकता है हम राज्य अधिवक्ता परिषद के खिलाफ तालाबंदी भी कर दें और राज्य अधिवक्ता परिषद के समस्त सदस्यों को कल हम उनके उसमें जैसे जनरल बॉडी चाहते हैं एक एक करके हम लोग ज्ञापन देंगे, अपनी मांगों के समर्थन में उनको मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम ये चाह रहे हैं जो ये 25 केस 3 माहों की जो बाध्यता है, ये समय सीमा है, इस समय सीमा को समाप्त कर दिया जाए, माननीय न्यायालय को निर्देशित किया जाए कि यथासंभव शीघ्र शीघ्र सारे केसों का निराकरण हो। हम अधिवक्ता समुदाय उन केसों का निराकरण कराने के लिए यथाशक्ति संभव प्रयास करेंगे। जबलपुर से खबर समेत जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।